आखिर छत्तीसगढ़ में कब तक होगी लगातार बारिश और आने वाले दिनों में किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम? तो मानसूनी तंत्र के चलते प्रदेश में बीते दो दिनों से लगातार वर्षा शुरू हो गई है और गर्मी पूरी तरीके से काफूर हो गई। इस वर्ष मानसून में हुए विलंब के चलते बीते 30 वर्षों में अब तक जून माह में औसत से कम वर्षा भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून विलंब से आने के चलते बारिश थोड़ी कम हुई है, जहां जून का महीना समाप्त होने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुधवार से लगातार बारिश का प्रभाव थोड़ा कम होगा। इस बीच मानसून की सक्रियता के चलते सोमवार सुबह से रायपुर सहित प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश की झड़ी लगी रही, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा भी हुई। वर्षा के चलते शहर के मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्लों में अभी से जलभराव होने लगा है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि मौसम विभाग ने बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, तो उन जिलों के नाम हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं उन जिलों के नाम जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कोरिया, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव और बीजापुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिलासपुर व दुर्ग संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। तो ये रही मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक बताए गए मौसम की हाल और मौसम की जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने जिले का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। मिलते हैं ऐसी और नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।